राजधानी भोपाल से खबर है जहां पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पर बैठक बुलाई गई है। विधानसभा प्रभारी विधायकों के साथ चर्चा होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ की उपचुनाव का फीडबैक लेंगे कमलनाथ। प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा संभव है। तो उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस को करना है, जो किसी चुनौती से कम नहीं है। और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की एक अहम बैठक कुछ ही देर में होने वाली है। विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधानसभा प्रभारी विधायकों के साथ चर्चा होगी। उपचुनाव का फीडबैक भी लेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा संभव है। आदरणीय अध्यक्ष कमलनाथ जी चर्चा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ यही मुख्य विषय है। कोरोना जो फैल रहा है और जो जनता परेशान है अलग अलग मुद्दों पे, तो किस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग से वो भी हो और धरने प्रदर्शन और मुद्दे उठाए जाए। 17 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस मंत्री जो है सज्जन वर्मा ने कहा था, पूर्व मंत्री जो है सज्जन वर्मा, आज तय हो सकते हैं। बाकी पे भी है, जो भी मंत्री हैं उनसे 1-to-1 बात करेंगे, जो विधायक हैं सबसे 1-to-1 बात करेंगे। कमलनाथ और विधायक नाखुश ना हो, जैसे बीजेपी में 2 विधायक गए हैं, बड़ा मलहरा की बात करें या नेपनगर से बात करें, और जो विधायक यदि पार्टी से नाखुश, आह्वान कांग्रेस ही कोई नहीं जाएगा। देख सकते हैं, ये थे पूर्व मंत्री पी शर्मा जी, जो 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 कि जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आज तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे उपचुनाव हो, चाहे कोरोना हो, या फिर जो बंसल न्यूज़ के सवाल पर उन्होंने खासतौर पर यह भी कहा कि जो निष्ठावान कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस में ही रहेंगे। कैमरा पर्सन पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जिनका कहना है कि उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, प्रत्याशियों को लेकर चर्चा संभव है, और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। उपचुनाव के लिहाज से कांग्रेस की ये एक अहम बैठक होने जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पर यह बैठक बुलाई गई है। विधानसभा प्रभारी विधायकों के साथ चर्चा होगी। उपचुनाव का फीडबैक लेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा संभव है। सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि 17 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं, अब बचे हुए उन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है, और जो अब कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है उसमें भी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन संभव है। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, उपचुनाव के लिहाज से ये कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक है, पीसी शर्मा से बातचीत की आपने, उनका कहना है कि प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा उपचुनाव को लेकर, और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है उस पर भी चर्चा होगी। क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर आपके पास? समेत बता दूं कि पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर ये बैठक हो रही है, और यहाँ पर विधायकों का लगातार सिलसिला जो है आने का सिलसिला जारी है। अभी इससे कुछ ही देर पहले पूर्व सीएम जो है दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर पहुँचे थे, तो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और खासकर वो विधायक जरूर पहुँचेंगे जिनको जो 26 सीटों पर चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। तो साफ यही है कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक अहम है। साथ में जब हमने पूर्व मंत्री पी शर्मा से भी बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का काल चल रहा है तो उस पर भी बात की जा सकती है, और उसका उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरीके से नाम 26 सीटों पर जो नाम तय करने, हालांकि जिस तरीके से बंसल न्यूज पर सज्जन वर्मा ने पहले कह चुके हैं कि 17 नाम अभी तक तय हो चुके हैं, बाकी 9 सीटों पर नाम तय होना है, तो आज जो है इस बैठक में उन पर भी मोहर लग सकती है। तमाम जो पूर्व जो विधायक हैं विधायक दल की बैठक में जो पहुंच रहे हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हों जो अभी विधायक हैं, तो वो तमाम लोग अब 1-to-1 जो है पूर्व सीएम और कमलनाथ से 1-to-1 चर्चा करेंगे। इसमें दिग्विजय सिंह भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे, और तमाम लोग तमाम जो बात करें कोरोना काल की या जिस तरीके से जो उपचुनाव है उसको लेकर एक खाका तैयार किया जा सकता है, और साथ में जो 26 सीटों पर चुनाव होना है उन पे भी जो नाम है नाम तय किए जा सकते हैं और उन पर मुहर लग सकती है। तो साफ यही है कि जिस तरीके से कोरोना काल में जरूर विधानसभा स्थगित हो चुकी है सुमित, और लेकिन जो जिस तरीके से आज की जो बैठक है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगातार विधायकों का पहुँचने का
सिलसिला जारी है। तो सुमित, देख सकते हैं कि तमाम जो विधायक हैं यहाँ पे एक एक करके पहुँच रहे हैं। हालांकि कुछ विधायक इस विधायक दल में नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि वो तमाम अलग अलग जिलों पर रहते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के चलते अधिकांश वो ही विधायक पहुँच रहे हैं जिनको इस चुनाव जो 26 सीटों पर चुनाव होना है उन पर उनके जो प्रभारी बनाए गए हैं। साफ यही है कि तीन मुद्दों पर चर्चा होगी। पहले तो उपचुनाव में जिस तरीके से 15 महीने जो कि 15 महीने कमलनाथ सरकार रही थी उसके कामों को जनता के बीच में ले जाना है। दूसरा, इसमें जो तय किया जा सकता है 26 जो उपचुनाव होने हैं सीटों पर उन पर नाम तय किए जा सकते हैं। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार को घेरना है, जिस तरीके से कोरोना काल की बात करें, अन्य जो प्रदेश सरकार की जो अभी बीजेपी की योजनाएं चल रही हैं उन पर भी बात की जा सकती है कि प्रदेश के बीच में किस तरीके से प्रदेश की जनता के बीच में लेकर जाया जाए। बिल्कुल आकर्ष नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो हमें दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।